हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पार्ट वन। जो बच्चे अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम आप बाकी सब चैप्टर्स भी डाल दीजिए, तो वो इसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट है उसके आपको जितने भी वीडियोस हैं वो मिल सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी के जो पूरी बुक है वो तो ख़त्म हो ही चुकी है। इसके अलावा जो ये जो बुक है इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी हो चुका है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं और जल्द ही हम अभी 5-6 दिन में आने वाले बाकी चैप्टर्स भी ख़त्म कर देंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो अब आते हैं, जैसे डेमोक्रेसी क्या है। अगर डेमोक्रेसी देखा जाए तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये एक ऐसा स्लोगन कह लें या बात कह लें जो कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं। और आप और हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी कैसी चीज़ है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है और लोगों के लिए होती है। तो ये होता है डेमोक्रेसी। तो ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों की हो। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं हो कि जो हमारी 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 कंट्री की नहीं हो, मतलब लोगों की, हम ही लोगों में से ही कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाएगा और हम लोग ही बनाएंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। डेमोक्रेसी एक पहली डेमोक्रेसी होती है जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, दूसरी होती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कोई इंटरमीडिएट, कोई भी इलेक्टेड पर्सन या अपॉइंटेड ऑफिशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मतलब उनके डिसीजन और उनके बीच में कोई भी इंसान, कोई ऑफिशियल, कोई भी बीच में नहीं होता है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी क्यों ना हो। सीधे सिटीजन अपना डिसीजन अपने लिए लेते हैं। सच ए सिस्टम इज़ प्रैक्टिकल ओनली विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। तो लेकिन ये ऐसी जगह पे ही पॉसिबल है जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हमको अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम सोचें कि 130 करोड़ की जनता अपना डिसीजन अपने आप ले लेगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमको कोई ना कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा जो हमारे मन की बात आगे तक पहुंचाएगा। अब ये कहाँ पे होता है, इन अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप लोग कोई कम्युनिटी है वहाँ पे कोई मिल के अगर वो लोग अपना कोई मीटिंग जो मीटिंग करवाते हैं, अभी उनके मेंबर्स होते हैं तो वो लोग इकट्ठा बैठ के अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसे एक छोटी सी सोसाइटी का ही ले लीजिए, इस सोसाइटी में मान लीजिए एक नया पार्क आना है नहीं आना है, तो वहाँ के लोग खुद ही बैठ के अपने आप डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ पार्क आना है कि नहीं आना है। तो इसमें हम बोलेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ क्योंकि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अपने लिए ही डिसीजन लिया। वैसे ही ट्राइबल काउंसिल में ट्राइबल लोग भी अपने आप ही डिसीजन लेते हैं, और ट्रेड यूनियन फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं वो डिसाइड करते हैं अपने आप में कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा कोई चीज़ होती है जो उनको लगता है कि उनका जो मालिक है उनके फेवर में नहीं कर रहा है, तो वो लोग उसके लिए भी डिसीजन लेते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो ये जो केसेस हैं इसमें क्या है, ये जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो किसी एक रूम में बैठ कर एक दूसरे से डिस्कस करके, और वो जो एक जो एग्रीमेंट है या फिर डिसीजन है उसमें अराइव कर लेते हैं। और एग्रीमेंट में अराइव करने के लिए अगर बहुत 5-6 लोग हों तो जनरली वो ऐसे ही वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है, नहीं तो अगर ज़्यादा लोग हों तो वोटिंग करके भी एग्रीमेंट और डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो उनका वोट उनको डिसाइड करता है कि वो उनका वो कि कितने लोग उसके फेवर में हैं कितने लोग अगेंस्ट हैं, तो वैसे ही उनकी मन की बात मान ली जाती है। हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी तो हमने वैसे भी देखा है पहले कि एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में इसको करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, और स्पेशली इंडिया में जो कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है क्योंकि अलग अलग रिलीजन्स हैं, कास्ट है, क्लास है, तो इन सबको देखते हुए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन करना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है।
इसीलिए अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है तो एक दूसरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा फॉलो करी जाती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं आप सब लोग, हम लोग देखते हैं आप सब लोग, ये कोई भी सोशोलॉजी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जानते नहीं हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स हैं वो अपने आप जो ऑफिशियल्स हैं उनमें से कोई किसी को एक वो लोग चुनते हैं और वो जो चुना हुआ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इनके बिहाफ में डिसीजंस लेता है। वो डिसीजन किसी लॉ के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है या फिर कोई प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करने के लिए होता है, कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। तो वो जो भी पॉलिसी है चाहे लॉ मेकिंग है चाहे कोई मेजर कंट्री का डिसीजन है चाहे आर्मी है, वो उनकी उनके तरफ से वो कंट्री वालों के जिन्होंने ने उनको इलेक्ट किया है जिन्होंने उनको चुना है वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे यहाँ है कि हर एक सिटीज़न जो कि 18 साल और उसके ऊपर है उसको वोट करने का हक है और वोट करके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुन लेता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हर लेवल पे चुने जाते हैं, मतलब पंचायत जो 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 गांवों के विलेज के लेवल पे पंचायत है, फिर म्यूनिसिपल बोर्ड है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट है, तो इन सब लेवल पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हर जगह पे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता रहता है और ये लोग अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। तो जो पंचायत होएगा वो रूरल एरिया में करेगा, जो म्यूनिसिपल बोर्ड होएगा वो अपने जो सिटी लेवल पे काम करेगा, जो स्टेट में जो चुना गया है वो स्टेट लेवल पे काम करेगा, तो उसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो बढ़ता जाएगा। तो ये इसी तरीके से देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंगली बीइंग अ फीलिंग दैट डेमोक्रेसी ऑट टू इन्वॉल्व पीपल मोर रेगुलरली। अब ये जो तरीका है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उसमें ये होता है कि हम 5 साल के लिए कोई ना कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से सारे डिसीजंस लेता है, लेकिन वो 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और लोगों को ये लगने लगा है कि इस 5 साल में उन लोगों की जो बात है वो शायद जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, तो उसमें कहीं और भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कोई और भी बीच में भी ऐसे लोगों का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी जो मन की बात है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बता सकें। तो उसके लिए जो जो कॉन्सेप्ट अब उभर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो ना डायरेक्ट होना चाहिए और ना ही रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के जो जितने भी पावर हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर हों या स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे पावर हों, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर लेवल पे होना चाहिए। वो हर लेवल पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो हर लेवल पे जो लोगों का पार्टिसिपेशन वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर पंचायत में गाँव वाले की अपनी बातें रखेंगे तो पंचायत उनकी बात आगे पहुँचा सकता है। तो इसीलिए ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और पावर एक जगह पे लिमिट नहीं होना चाहिए, पावर को कई लेवल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब इसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं या फिर कम्युनिटी होते हैं वो मिलजुल के कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो उसमें मिलजुल के वो डिसीजंस वो ले पाते हैं। अब पंचायत राज सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम जो स्टार्ट करा था हमारे सरकार ने कुछ इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद, जिसमें कि कुछ दिनों के बाद, जिसमें कि ये था कि उन्होंने यही कोशिश करी थी कि जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हो, क्योंकि हर उनको भी कुछ पावर दिए हैं, उनको भी कुछ डिसीजन मेकिंग की उनको भी कुछ पावर्स मिले हुए हैं, ऐसे म्यूनिसिपल लेवल पे भी बहुत कुछ कुछ पावर्स दिए हुए हैं। तो ये मेन इसमें तरीका यही था कि जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आए, मतलब कि गवर्नमेंट का जो पावर का केंद्र है सिर्फ एक जगह ना रहे, वो हर जगह थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।
अब अगर देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ अगर देखी जाएँ तो कहाँ से आई हैं, किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को लेने की हमने सोचा और क्यों हम लोग के दिमाग में आया है कि हमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। तो अगर जो है कि जो आप समझाते ही आए हैं आपको कि जितने भी जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज हमारी कंट्री में करे, और कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि उन्होंने ये सोच के नहीं करे थे कि वो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप ही हो गए थे। उनमें से एक ये था कि उन्होंने जो इंडियंस थे उन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देनी शुरू करी, क्योंकि वो ऐसे ग्रुप को एजुकेट करना चाहते थे कि जो को आगे पढ़ के वो उन लोगों को रूल करने में मदद करें। वो इंडियन का भला नहीं चाहते थे कि इंडियन को पढ़े लिखे तो वो आगे बढ़े, वो चाहते थे कि अगर थोड़े लोग, क्योंकि इतने सारे उनको हेल्पिंग हैंड्स, उनका तो कॉलोनाइजेशन बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में था, तो इतने सारी जगह पर कितने लोग संभालते, और वो अपने आप में ब्रिटेन एक छोटी सी कंट्री थी, तो उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए थे जो लोकल लोग जो पढ़े लिख कर उन लोगों को रूल करने में मदद करने लग जाएँ। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ लोगों को ये भी पता चला कि आफ्टर ऑल जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन के जो लिबरल आइडियाज़ थे डेमोक्रेसी के, कि उनकी किस तरीके से लोगों को बराबरी मिलनी चाहिए, कैसे लोगों को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, तो वो जब लोगों ने पढ़ा तो उन लोगों को लगा कि अरे ये सब चीज़ें वो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब आखिर किसी के पास है, क्योंकि अभी तक इतने सालों के जो गुलामी हो गई थी तो शायद जो इंडियंस थे उनको ये भी नहीं पता था कि इस तरह की ज़िंदगी भी होती है जहाँ पे लोगों को ये सब राइट्स मिले हुए होते हैं, जहाँ पे वो लोग को बराबरी मिलती है, उन लोगों को जस्टिस मिलता है। तो उन लोगों ने जब पढ़ा तो उनको बड़ा दुख हुआ, और तब उन लोगों के मन में एक भावना आई कि हमको अपनी कंट्री को भी इस तरीके से यही सब चीज़ें दिलानी चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों ने जब आज़ादी की सब लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना ये सब आने लग गई, और कितने रिफॉर्मर्स आने लग गए, जिन्हों जो लोग इस रिफॉर्मर्स और कितने नेशनलिस्ट आने लग गए जो कि फ्रीडम की डिमांड करने लग गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसी की जितनी भी अगर वैल्यूज़ हैं और तो वो सारी की सारी हमने वेस्टर्न कंट्री से ली हुई हैं, क्योंकि अगर हम अपने अपने ही कंट्री के बहुत सारी अगर कथाएं सुनेंगे या फिर जो एपिक्स हैं, एपिक्स क्या होती हैं, जो बहुत बड़ी कहानियां होती हैं उनको हम एपिक्स बोलते हैं, जैसे महाभारत हो, रामायण हो, तो इन सब में अगर हम सुनेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है वो हमारी जो कल्चर है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और ये कोई नई चीज़ हमारे लिए नहीं है। अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है महाभारत का, वो दिया हुआ है, वो आपको सुनाते हैं, और इसमें हम फिर से बताना चाहते हैं कि ये जो आपके जो कोर्स है जो हम आपको करा रहे हैं, इसमें हमने सारे बॉक्स इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट बॉक्सेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपने अभी CBSE का शायद आपके टीचर ने बताया ही होगा कि अब जो बॉक्स इन्फॉर्मेशन है जितने भी बॉक्स हैं कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले होता था कि NCERT की बुक के आगे लिखा हुआ होता था कि ये बॉक्स है ये इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, वो बॉक्स है वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर है उसके अंदर जो भी चीज है सब का सब कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हम आपके इस जो कोर्स है इसमें बॉक्स इंफॉर्मेशन भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की सब बराबर हैं ये भावना, ये अभी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ब्रिटिश ने ही दिया है, हमारी जिस संस्कृति का ये एक हिस्सा रहा है। जैसे कि एक महाभारत का एक एक पार्ट है वो आप देखिए, इसमें सुनिए, इसमें है ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब ये जो है कि ये स्टार्टिंग से ही हम लोगों को ये हम लोग के एपिक्स में हम देखते हैं कि लोग ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और उन्होंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ पे उस समय पे हर चीज़ को क्वेश्चन करना और उसको मालूम करना कि वो क्यों सही है किस लिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने का ये हक सबको मिला हुआ था और इसको कहीं पे भी दबाया नहीं जाता था। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी उस समय पे भी थी, लोगों को अपने विचार प्रकट करने की पूरी फ्रीडम थी। और वही उसी तरीके से महाभारत में एक पार्ट है जिसमें दिखाते हैं कि जो भृगु है, भृगु एक
जो सप्त ऋषि में से एक ऋषि माने जाते हैं भृगु, और वो उन्होंने जो भृगु संहिता, आपने सुना होगा, भृगु संहिता एक ऐसी संहिता है जिसमें उन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी, मतलब किसी के बारे में प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हैं, वो क्या क्या प्रेडिक्शंस किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो पूरा उन्होंने किसी के भविष्य के बारे में बताने के लिए, भृगु संहिता एक किताब है जिसके थ्रू लोग किसी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं, तो ये शायद इनके द्वारा ही लिखी गई थी। और ये सप्त ऋषि में एक ऋषि थे भृगु, और दूसरे हैं भरद्वाज। तो भरद्वाज जो थे वो जो द्रोणाचार्य थे उनके पिता थे, और वो भी एक बहुत बड़े मुनि थे, और जो ऋग्वेदा था उसको भी इन्होंने और इनके शिष्यों ने मिलके लिखा था। जो सिक्स ऋग्वेदा था वो इन्होंने और इनके शिष्यों ने मिलके लिखा था। तो जब भृगु भारद्वाज को बोलते हैं कि जो कास्ट डिवीजन है वो कास्ट डिवीजन इसलिए है क्योंकि लोगों के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जिस तरह से वो दिखते हैं, वो सबका अलग अलग इंसानों का होता है, और वो उनके जो स्किन कलर, जो उनका जो स्किन का जो रंगत होती है वो अलग अलग होती है। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो कहीं कहीं ना कहीं को कास्ट का डिफरेंस लोगों में है, या फिर कुछ डिफरेंस तो लोगों में है। तो भारद्वाज इसके लिए इसका आंसर देते हैं कि अगर देखा जाए तो लोगों के स्किन कलर में जो डिफरेंस है वो लोगों के एक कास्ट में भी देख लें, अगर मान लो कोई भी एक कास्ट उठा ली जाए, ब्राह्मण उठा लिया जाए या फिर क्षत्रिय उठा लिया जाए, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हर इंसान का अलग अलग स्किन कलर है। तो इसके इसके जरिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कास्ट है वो लोगों के जो शारीरिक जो बनावट है, या फिर जो जिस तरह से वो दिखते हैं, या शरीर उससे वो डिफरेंसेस वो पैदा हो रहे हैं। और वो बोलते हैं कि जब हम मैं ये इस बात को नहीं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देखा जाए तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, सब में गुस्सा भी होता है, डर भी होता है, दुख भी होता है, चिंता भी होती है, भूख भी सबको वैसे ही लगती है, और सब मेहनत भी वैसे ही करते हैं। तो जब सब में ये क्वालिटी सब में सेम है, तो सिर्फ हम स्किन के कलर से कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है महाभारत का, जो हम लोग की एक बहुत बड़ी एपिक मानी जाती है, वो दिखाती है कि हम लोग के डेमोक्रेसी या फिर राइट टू क्वेश्चन अभी से नहीं है, वो पहले से ही सालों साल पहले वो था। तब हम लोग देखते हैं कि हमारा विजन ऑफ डेमोक्रेसी क्या था। जो डेमोक्रेसी लाने से पहले हमने कुछ सोचा था कि हमारी डेमोक्रेसी का ये रूप होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने कैसे सोचा था, क्या था हमारा विजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो सोशल चेंज अगर हम देखें तो मॉडर्न इंडिया में, तो जो सोशल चेंज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन आइडियाज़ में जो चेंज आया उसको हम सोशल चेंज बोलें, या फिर वेस्टर्न आइडियाज़ में जो चेंज आया उसको हम सोशल चेंज बोलें। ये जो सोशल चेंज है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न आइडियाज़ में जो चेंजेस आए वो, और उनका उनको रीइंटरप्रिटेशन करना, मतलब उनको फिर से समझना कि आखिर ये आइडियाज़ का मतलब है क्या। तो ये इन सब चीज़ों को जब हमने फिर से समझा कि जो इंडियन आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनका क्या मतलब है, या वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं आइडियाज़ इनका क्या मतलब है, इनको जब हमने फिर से समझा, जो फिर से उनको सही तरीके से समझने की कोशिश करी, तब हमारी कंट्री में सोशल चेंज आने लग गए। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सोशल रिफॉर्म थॉमस ने भी इसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करा। उन्होंने जब सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, जो हम लोग के कुप्रथा था उनको हटाने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, जो वेस्टर्न आइडिया थे इक्वालिटी के, उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़े कि इक्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा था, सब में सबको इक्वालिटी मिली हुई थी, तो इक्वालिटी को लेते हुए उन्होंने ये आगे बढ़े रिफॉर्म करने के लिए। और साथ साथ में जो हमारा ट्रेडिशनल आइडिया था हमेशा न्याय का, तो उस न्याय का जो हमारा आइडिया था उसको भी लेकर, तो न्याय और बराबरी दोनों को लेकर वो आगे बढ़े। तो जो सोशल चेंज था वो सोशल चेंज ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा था, सोशल चेंज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा था।
अगर देखा जाए तो जो कॉलोनियल इंडिया है तो उसमें क्या था कि उसमें जो उन वो जो कॉलोनियल इंडिया में जो भी काम किए जा रहे थे वो सब अनडेमोक्रेटिक थे, तो और उसमें सब उसमें बहुत ही भेदभाव हर चीज़ों में किया जा रहा था जो कि ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और लेकिन एट द सेम टाइम वो जो अपनी कंट्री में कर रहे थे उसमें पूरा फ्रीडम जो विजन ऑफ फ्रीडम था और जो उसमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और ये बराबरी देते थे और जो कि वहाँ के जो इंडियंस थे उनको यही चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, और जो जो गरीबी देखी जाए या फिर जो भेदभाव देखा जाए वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों के मन में आ गया था कि क्या डेमोक्रेसी से भी हमारा भला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर हम डेमोक्रेसी लाएंगे अपनी कंट्री में तो डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या होएगा। तो डेमोक्रेसी तो क्या क्वेश्चंस मन में आ रहे थे कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम है, मतलब कि हम अपने अपने नेता को चुन सकें, क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि हम इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब हम अपनी अपनी हमको इतना हमारी कंट्री इतनी सक्षम हो जाए कि हमको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, डेमोक्रेसी का मतलब क्या ये है, या फिर डेमोक्रेसी का मतलब है सोशल जस्टिस, मतलब सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी सबको न्याय मिले, क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है, या फिर डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि चाहे कोई भी कास्ट या क्रीड रेस या जेंडर के लोग हों उनको बराबरी का हक मिले, ये तो या फिर ये है कि जो अनइक्वल सोसाइटी है उसमें इक्वल इक्वलिटी लाई जाए और वो डेमोक्रेसी का मतलब है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है क्या, ये लोगों के मन में डिबेट चलने लग गई, दोनों लोगों के मन में ये सोच चलने लग गई। तो डेमोक्रेसी आखिर कैसी होनी चाहिए ये पहले से ही इंडिया के लोगों ने, इंडिया फ्रीडम तो बाद में मिली लेकिन डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए ये पहले ही उन्होंने सोच लिया था। और वो उसके बाद जो मोतीलाल नेहरू हैं और उनके साथ जो 8 और दूसरे कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने मिलके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उन्होंने ड्राफ्ट करा। तो जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका जो जो सोच है वो बहुत कुछ कराची रेजोल्यूशन में बनाया गया था। तो जो 1931 में जो कराची सेशन हुआ था जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सोचा था कि इंडियन इंडिया को जब हम लोग फ्रीडम दिलाएंगे, आज़ादी दिला देंगे, मिल जाएगी, तब उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो जो कराची इसको जो नाम दिया गया, ये कराची रेजोल्यूशन नाम से इसको सेशन को इसको नाम मिला, और इस कराची रेजोल्यूशन में इन्होंने ऐसा विजन ऑफ डेमोक्रेसी दिखाया था जिसका मतलब ये नहीं था कि बस एक इलेक्शंस होल्ड कर लें और इलेक्शंस के बाद बस लोग रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं और बस वो काम करते रहें, लेकिन उसमें ये भी एक विजन था डेमोक्रेसी में जिसमें कि जो इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको फिर से रीवर्क करके वो जो सही रूप से जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के पास पहुँच सके, और ऐसा नहीं कि बस सुपरफिशियल लेवल पर ही डेमोक्रेसी पहुँच पाए। तो जो डेमोक्रेसी की जो सोच थी, जो विजन था, वो जो इतने सारे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे थे उनमें जो जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उन सब मुद्दों को लेते हुए जो मुद्दे इंडिया के लिए गलत थे वो सब ना होए, यह सोचकर डेमोक्रेसी को जो विजन ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया था। और जो जितने भी जो हम लोग के जो वैल्यूज़ थे उन लोगों को, जो इंडियन वैल्यूज़ थे उनको पूरा तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनाया गया। जो जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस पे ही एम्फसाइज नहीं करता है कि इंसान को सब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको बस वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन वो उनके सोशल जस्टिस पे और इकोनॉमिक जस्टिस में, मतलब सोसाइटी में भी उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए और पैसा कमाने के लिए, और इकोनॉमिक में भी उनको पूरा पैसा कमाने का भी हक होना चाहिए। तो जो इक्वालिटी है जो हमारी डेमोक्रेसी में वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स के लिए नहीं है बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आगे बढ़ने की जो जो तरीके होते हैं, जरिए होते हैं, वो सबको बराबर मिलना चाहिए और अपना स्टेटस बढ़ाने का भी सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे प्रीएम्बल में ये अच्छा इसमें आता है कि जो जो स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो था फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी, ये बॉक्स 3.2 है। तो जो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत फेमस हुआ था उस तरीके से, क्योंकि उसमें जो रिवॉल्यूशन हुआ था
वो भी बराबरी के लिए था, लिबर्टी के लिए था और फ्रेटर्निटी पाने के लिए था, लेकिन वो जो रिवॉल्यूशन था अपने आप में वो इक्वालिटी नहीं ला पाया था। तो इसीलिए जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन हुआ तो रशियन लोगों ने कोशिश करी थी वो इक्वालिटी पाएँ, और लेकिन उनके जो जो सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू सेक्रीफाइस फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। लेकिन ये देखा गया कि अगर इक्वालिटी पाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि किसी भी सोसाइटी की फ्रेटर्निटी और लिबर्टी ही खो जाए, तो इसीलिए अगर ऐसा हो कि इक्वालिटी तो पा लिया लेकिन फ्रेटर्निटी और लिबर्टी नहीं मिल पाई, तो उस जो इक्वालिटी है उसका कोई भी मतलब नहीं हो सकता है, और तीनों को इकट्ठा पाना एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल बात हो मानी जाती है। तो अभी आपने देखा कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और ये और जो ये इक्वालिटी है, तीनों को बैलेंस रखना बहुत ही मुश्किल बात है। और फ्रेटर्निटी का मतलब अगर हम समझे तो फ्रेटर्निटी का मतलब है कि ब्रदरहुड, भाईचारा, और लिबर्टी मतलब कुछ भी करने की फ्रीडम, और इक्वालिटी मतलब बराबरी। अगर तीनों चीज़ों को हम लाना चाहें तो कहीं ना कहीं एक मामले में गड़बड़ा सकते हैं। ये बॉक्स ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब जो बॉक्स 3.3 है उसमें बताया गया है कि जो कराची कांग्रेस रिजोल्यूशन था जो कि 1931 में हुआ था, और उसको जो कांग्रेस ने उसको उसको बुलाया था, और उसमें जो था कि किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम दिलाया जाए और सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, हर तरीके से किस तरीके से हम इंसान जो वहाँ पे रहने वाले इंडियंस हैं उनको हम हर तरीके की इंडिपेंडेंस दिला सकते हैं। और उन्होंने उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने एक जो शब्द दिया था जो था स्वराज, स्वराज शब्द उन्होंने बोला था कि जब तक कि जो भी कोई सरकार हो या फिर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि वो स्वराज ना दिला पाए। तो अब उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा था कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं, करीबन 30 उनके वैल्यू पॉइंट्स थे जो वो चाहते थे, जो विजुलाइज करते थे कि इस तरीके का हम कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, इस तरह की हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब 21, 22, 30 तो याद करना मुश्किल हैं, इसीलिए हमने कुछ कुछ ऐसे हाईलाइट कर दिए हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और जो हम सब लोग बचपन से ही जानते हैं, जिसको कि कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कभी आ जाएगी कराची के रिजोल्यूशन में कौन कौन से उन्होंने डेमोक्रेसी का विजन रखा था या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने क्या क्या विजन रखा था। तो आप इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं जो कि बहुत इजी हैं याद करने के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग, मतलब आप अपने मन के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, मीटिंग भी कहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन, ये हम सब लोग जानते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल कल्चर एंड लैंग्वेजेस, मतलब कि जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, सबको बढ़ावा दिया जाए, कोई लैंग्वेज किसी से ऊपर ना हो, कोई कल्चर किसी से नीचे ना हो, और सब जो सिटीजन्स हैं सब इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब जब अगर लॉ के आगे आए तो किसी के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, जस्टिस मिलने में कोई भी भेदभाव ना हो। रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, मतलब जो सरकार है वो किसी भी रिलीजन का फेवर ना करे, और सबको जो है एक कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फ्री मिले सब लोगों को, जिससे कि सब लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ जाए, और किसी को कोई टाइटल ना दिया जाए। टाइटल मतलब जैसे पहले होता था कि किसी को शूद्र बुला रहे हैं या फिर किसी को ऐसे डेरोगेटरी नाम से बुला रहे हैं, तो किसी को इस तरीके से कोई नाम से ऐसा कोई टाइटल से कोई संबोधित नहीं किया जाए। और स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन वर्कर, जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको उनके उनके जो सुरक्षा के लिए अलग से कुछ स्पेशल ध्यान दिया जाए, और जो चिल्ड्रन हैं उन लोगों को माइंस में या फैक्ट्रीज में उनसे काम ना कराया जाए, और सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसको हटा दिया जाए, और जो सिटीजन्स हैं उन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो ये कुछ आप जो चीज़ें हैं जो कि बड़ी कॉमन सी हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हैं, वो आप कुछ पॉइंटर्स में आप लिख दें, अगर पूछा जाए तो आप लिख दीजिए, क्योंकि कराची रिजोल्यूशन, कराची सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
अब आता है प्रियम्बल, जो हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity of the nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो जिस जब इन्होंने जो Constitution, इन्होंने कैसा Constitution देने की कोशिश करी है, जो ऐसा भरा जो कि sovereign हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। सोवरन मतलब जिसमें अपनी सरकार हो, और सोशलिस्ट मतलब जिसमें कि सब पूरे समाज में सब लोग के बारे में ध्यान दिया जाए, जिसमें कोई एक रिलीजन अपना नहीं है, और डेमोक्रेसी बराबरी है, और रिपब्लिक है मतलब कि हम अपने ही जो अपनी एक सरकार है जिसको कि हम अपना अपने द्वारा ही हम उसको इलेक्ट कर रहे हैं। तो जो रिपब्लिक है इसका मतलब है कि हमारी अपनी सरकार है, और सोवरन का मतलब है कि हमारी अपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक जो हमारा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो हमारा अपना है, और हम किसी दूसरी कंट्री से गवर्न नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा हमने एक कंट्री की हमने सोच रखी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पन्ना यही दिया हुआ है। और ऐसा जहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस कैसे, सोशल जस्टिस भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है, और लिबर्टी मतलब फ्रीडम किस किस चीज़ की है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है, वर्शिप की है, मतलब अपना सोच, अपने अपने भावनाओं को रखने की फ्रीडम, अपने जो अपनी जो बिलीफ है उसको फॉलो करने की, अपने जो विश्वास है उसको फॉलो करने का, वर्शिप करने का, सब में आपको फ्रीडम है, इक्वालिटी है, अपना स्टेटस मेंटेन करने का, और स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों का ही इक्वालिटी है। मतलब आप स्टेटस भी अपना जो सबको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, सबको जो भी आगे बढ़ने के जो मौके होंगे सबको उसको पाने का भी मौका मिलेगा, और सब में जो भाईचारा बना रहे, और सब जो हमारी कंट्री है इस तरीके से यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे, ये सोच के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इस तरीके से भी हम लोग जो पार्ट वन है स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का वो ख़त्म करते हैं, और हम आपको दूसरा पार्ट स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पार्ट टू फिर बताते हैं। जो बच्चे अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अभी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। आप इसके इसको देख कर आप जो पहले जितने भी चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस इंडियन सोसाइटी वाले तो पूरा कर चुके हैं, और इसके दो चैप्टर्स इस बुक के पहले ही कर चुके हैं, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे।